कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के गुरमेला पंचायत के वार्ड संख्या 6 में बदमाशों ने दो भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा भाई बुरी तरह से जख्मी है, जिनका उपचार स्थानीय पीएचसी में करने के बाद उसे विशेष उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल भाई की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि जलकर विवाद में बरारी थाना क्षेत्र के गुरमेला पंचायत के वार्ड संख्या 6 में बदमाशों ने दो भाइयों पर अचानक हमला बोल दिया, जिसमें एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे भाई को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद उन्हें विशेष उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं SDPO अमरकांत झा मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश की और बरारी पुलिस को तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया। चाचा सब मछली मारने गए थे ना, वो सब आया मांगने लगा रंगदारी सर। कौन रंगदारी मांगने लगा? सर अशोक बोस और लहरनी बोस। अच्छा, रंगदारी नहीं दिए, बस गाड़ी देने लगा, बस उसी में हाथा भी हुआ, फिर लड़ाई हो गया, फिर इधर आकर उधर लड़ाई करने लगे, फिर आकर उधर सब भैया यार लड़ाई करते रहते, गोली मार के फिर चल गया। किसको गोली मारा? मेरा चाचा सबको। चाचा और दोनों चाचे था? हाँ, दोनों चाचे था। क्या क्या नाम है चाचा का? सरल चौधरी और राजकुमार चौधरी। दोनों को गोली लगा? हाँ। कहाँ कहाँ लगा गोली? एगो चाचा का माथा में लगा है, एगो सीना में। उसमें मृत्यु किसकी हुई है, बड़ा चाचा है कि छोटा? सर राजकुमार को चौधरी को हुआ है सर। गोली लगा मर गया जो? हाँ। और एक तो कहाँ इलाज हो रहा है? एगो इलाज हो रहा है सर, नहीं पकड़ाया, भाग गया सर, मोटरसाइकिल से था। के को आदमी अपराधी था उसका? सर दो गो गोली मारने वाला था और उस सबका भाई था सर, लाठी ले लेकर आया था। क्या हुआ था? मछली मार के हम लोग आ रहे थे, तीन भाई थे और इधर से सात आठ गया रंगबाज का भाई मिल के पकड़ के उठा पटक के रखा और हम लोग का परिवार के तो निर्जीत आपके धान खेत में रखा था और सीना में सताब गोली मारा गया, यहाँ गोली मारा, दो भाई का मर्डर हुआ है। दो भाई का मर्डर हो गया? दोनों का? दोनों लोग मर गए? एक थोड़ा सांस चल रहा था, स्टेट आइए भागलपुर भेजे हैं, वहाँ सांस फेर करेगा सिल्ली गोली रोक लाए एम्बुलेंस में। कौन कौन लोग थे? अशोक चौधरी, संदेश चौधरी, अवनीता भाई, बुल्ला चौधरी, रमेश चौधरी, बौधा चौधरी, अवधेश चौधरी, परमा चौधरी और संदीप चौधरी। संदीप चौधरी, मामला थाना में दर्ज करवाए? हाँ, बरारी में ये हुआ है, जो मछुआरा ही है, दोनों अगल बगल के गांव के हैं, तो वहीं गुरमेला है जहाँ गंगा की धारा बहती है, तो वहाँ ये लोग मछली मारने को लेकर के उन लोग का जगह था, कोई जलकर नहीं है, जनरल सरकारी ही जगह है, उन लोग आपस में कुछ कर कंप्रोमाइज होने की हम लोग को पहले तो कुछ पूछना था नहीं, घटना के बाद जानकारी मिली है कि आपस में उनको बैठक भी किया था, लेकिन रात अचानक 8:30 बजे एक ग्रुप जो है, हालांकि दोनों ग्रुप अपराध कर्मी ही हैं जिनकी हत्या हुई है, वो भी पहले हत्या के केस में चार्जशीटें हैं और जो लोग अभियुक्त हैं वो लोग भी पहले भी वो घटना कर चुके हैं, उसमें जेल जा चुके हैं, तो इस संबंध में जो लिखित आवेदन है उसमें एक आदमी की हत्या हो गई, इधर से एक बड़े थे उनकी हत्या हो गई और छोटे जस्ट उनके थे उनको भी गोली मारा है, वो रेफर करके अभी तत्काल वो भागलपुर जेल में है, लास्ट को हम लोग लास्ट रात ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए थे, कुल 9 नामजद अभियुक्त किया गया है और हम उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पूरा परिवार जो औरत मर्द है सब घर छोड़ करके भाग गया है, हम लोग हर बिंदु पर उनको गिरफ्तारी के प्रयास में लगे हुए हैं, इसके लिए SP साहब द्वारा हमारे नेतृत्व में स्पेशल टीम की गठित भी की गई है, वह टीम काम कर रही है।